प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस नए वीडियो में प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बाबत बात करेंगे। प्यारे बच्चों, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और इतिहास से संबंधित है। आज का प्रश्न आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के बाबत है। आधुनिक काल को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें गद्य विधा एक नए रूप में सामने आई। इस प्रश्न में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गद्य के संबंध में जो विकास और उद्भव हुआ उसकी चर्चा हम इस प्रश्न में करेंगे। बच्चों, आधुनिक काल में गद्य का जबरदस्त विकास हुआ। आधुनिक काल में जितने भी चरण थे, चाहे वो भारतेंदु युग हो चाहे द्विवेदी युग हो, सभी में गद्य साहित्य शुरू हो चुका था। परंतु हम ये देखें सबसे पहले कि गद्य आधुनिक काल में जब आया उससे पूर्व गद्य की क्या स्थिति थी, ये चीज़ हमें जान लेना ज़रूरी है। तो आधुनिक काल के पूर्व जो गद्य और पद्य की साहित्य भाषा ब्रजभाषा थी, आपको याद होगा, चाहे रीतिकाल हो चाहे भक्तिकाल हो, ब्रजभाषा में साहित्य लिखा जा रहा था। सबसे पहले हिंदी ग्रंथों की खोज में प्रथमतः गोरखपंथी नाथों और सिद्धों के जो ग्रंथ मिले हैं उनमें अधिकांशतः ब्रजभाषा के गद्य का ही रूप उपलब्ध होता है। उनका रचनाकाल 14वीं शती का उत्तरार्ध और 15वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। इसके पश्चात भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा में जो गद्य ग्रंथ मिलते हैं उनमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ द्वारा रचित श्रृंगार रस मंडन से में ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता में ब्रजभाषा गद्य का रूप निखरा है, जो कालांतर में नाभादास जी के अष्टयाम में विकसित हुआ। संवत 1680 के आसपास वैकुंठ मणि शुक्ल ने अघन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक दो गद्य ग्रंथ लिखे जिनमें ब्रजभाषा की सुबोध शैली बढ़ती गई है। संवत 1760 में किसी अज्ञात लेखक ने नासिकेतोपाख्यान ब्रजभाषा गद्य में लिखा था। संवत 1767 में सूरति मिश्र ने बेताल पच्चीसी और लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका लिखी, जिनमें अधिकांशतः ब्रजभाषा गद्य का ही प्रयोग किया गया। यद्यपि खड़ी बोली में गद्य लेखन की परंपरा 15वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गई थी, किंतु उनमें निरंतरता की कमी रही। अकबर के शासनकाल में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा शीर्षक से पुस्तक लिखी, जिसे आधुनिक गद्य की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। अब बच्चों, हमें देखना है कि जो हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक हमें जानने लेने चाहिए कि सबसे पहले हिंदी गद्य लिखा किस किसने। तो बच्चों, इस संबंध में देखो, विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नामक एक गद्य ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा, जो पर्याप्त मात्रा में परिमार्जित गद्य कहा जा सकता है। उसके पश्चात संवत 1818 में पंडित दौलतराम ने हरिसेनाचार्य रचित जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया, जिसकी संख्या 700 प्रश्नों से भी अधिक है। इसी अनुवाद से प्रकट होता है कि खड़ी बोली में गद्य लिखने की परंपरा लोकप्रिय होने लगी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही गद्य लेखन का प्रवर्तन हुआ था, ये एक प्रकार का भ्रम है। हाँ, ये बात अवश्य है कि अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को भी जब सम्मिलित किया गया तो उसके कारण हिंदी में गद्य लिखने के संयोग जुड़ते गए। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देशी भाषाओं में गद्य साहित्य की पुस्तकें लिखवाई। उनके दिशा निर्देशन में लल्लू जिलाल गुजराती ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखे, जिनमें खड़ी बोली गद्य के बहुविध रूप प्रकट हुए। उनके समकालीन गद्य लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल और इंशा लखा के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपनी आंतरिक प्रेरणा से गद्य लिखने का शुभारंभ किया था। कहते हैं सदा सुखलाल ने विष्णु पुराण के कई अंशों का भाषानुवाद भी किया था, जो खड़ी बोली गद्य का तत्कालीन स्वरूप प्रस्तुत करता है।
इसी प्रकार हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में मुर्शिदाबाद निवासी सैयद इंशाअल्लाह खां का नाम भी आदरपूर्वक लिया जाता है, जिन्होंने संवत 1860 के आसपास उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य में लिखी। इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखक ये सभी लोग रहे। अब बच्चों हम बात करेंगे कि आखिर गद्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि अचानक से तो ये गद्य लिखना शुरू नहीं हुआ, वरन इसके पीछे एक पूरी भूमिका थी जिस पर हमें दृष्टिपात करना होगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, हम महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारण जो माना जाता है वो तो ये माना जाता है ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। हिंदी गद्य को विकसित करने में ईसाई धर्म के प्रचारकों का भी काफ़ी हाथ रहा है। उन्होंने अपने मत को साधारण जनता के बीच जब पहुंचाया तो उसको प्रचारित करने के लिए बोलचाल की भाषा में हिंदी गद्य का सहारा लिया था। उस समय सिरामपुर नामक स्थान ईसाई पादरियों का अड्डा था, जहां से बाइबिल और इंजिल के हिंदी गद्य में अनुवाद प्रस्तुत किए गए थे। संवत 1866 में नए धर्म नियम तथा संवत 1875 में ईसाई धर्म की अनेक पुस्तकों के गद्यानुवाद प्रकाशित हुए। इन अनुवादों के लिए सदासुख लाल और लल्लूजी लाल की भाषा का आदर्श ग्रहण किया गया था। इनके अनुवाद ने अरबी, फारसी और उर्दू की शब्दावली दूर रखी और विशुद्ध बोलचाल की खड़ी बोली अपनाई। ईसाई धर्म प्रचारकों ने श्रीरामपुर में एक छापाखाना भी खोला, जहाँ से ईसाई धर्म की अनेक पुस्तकें तथा पर्चे छपे। मिशनरी स्कूलों की स्थापना होने के बाद वहाँ के पाठ्यक्रम में जो शिक्षा संबंधी पुस्तकें रखी गई उनमें भी हिंदी के सरल और सुबोध गद्य का ही प्रयोग किया गया था। आगरा, मिर्जापुर और मुंगेर आदि अनेक स्थान उन मिशनरियों के गढ़ थे, जहाँ से हिंदी गद्य के माध्यम की पुस्तकों और पर्चों से उनके धर्म का प्रचार किया जाता था। और इसी धर्म के प्रचार के चक्कर में हिंदी गद्य को बहुत सहयोग मिला। दूसरा कारण अगर हम देखें तो वो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा द्वारा प्रोत्साहन भी एक कारण था। हिंदी गद्य को विकसित करने में अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का भी पर्याप्त सहयोग रहा। संवत 1900 के आसपास देश में कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुले, जिनमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और उर्दू की पढ़ाई भी कराई जाती थी। संवत 1890 में ईसाई पादरियों ने आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी खोली, जहाँ से हिंदी गद्य की कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। तीसरा विशेषता बच्चों हम देखें तो वो है सांस्कृतिक आंदोलनों की भूमिका। हिंदी गद्य के विकास में सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थानों तथा आंदोलनों का भी प्रमुख हाथ रहा है। इस दिशा में राजा राजमोहन राय के ब्रह्म समाज का योगदान सराहनीय है। राजा साहब ने ब्रह्म समाज के माध्यम से उपनिषदों और वेदांत के ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य को अपनाया और विशुद्ध ब्रह्मोपासना पर जोर दिया। वे मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति और छुआछूत के विरोधी थे, जिनका विध्वंस करने के लिए उन्होंने बंगदूत नामक एक हिंदी पत्र भी निकाला था। उनके द्वारा वेदांत सूत्रों के भाष्य के हिंदी गद्यानुवाद भी प्रकाशित किए गए। पंडित जुगल किशोर ने कानपुर से संवत 1883 में उद्दंड मार्दंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र कहा जाता है। और बच्चों इस प्रकार हिंदी गद्य को विकास में सांस्कृतिक आंदोलनों से पर्याप्त सहयोग मिला। उसके बाद हम बात करें तो पाश्चात्य विद्वानों का सहयोग भी हमें ध्यान में रखना होगा। हिंदी गद्य के विकास में उन पाश्चात्य विद्वानों को भी यथोचित श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने उसके अध्ययन के प्रति अपनी नैसर्गिक रुचि व्यक्त की थी। ऐसे विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का नाम उल्लेखनीय है। इंग्लैंड में जन्म लेकर भी वे भारतीय साहित्य की परंपरा के परम प्रशंसक और हिंदी भाषा के हिमायती थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और उर्दू साहित्य का अच्छा अध्ययन किया था और वे हिंदी की प्रशंसा में समय समय पर टिप्पणियाँ अथवा गद्य लेख भी लिखते रहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और कार्तिक प्रसाद खत्री जैसे लेखकों से उनके निजी संबंध से, जिनके साथ पत्राचार करने में वे प्रसन्नता का अनुभव करते थे। हिंदी गद्य के विकास में किसी न किसी रूप में उनका योगदान हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों का सहयोग भी इस बाबत हमें ध्यान रखना चाहिए। पांचवी विशेषता की बात करें यदि हम बच्चों,
तो पत्र पत्रिकाओं की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदी गद्य के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उसके संरक्षण का बीड़ा उठाया था, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद राय ने उसकी बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। शिक्षा प्रसार, नारी जागरण, समाज सुधार और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए उन्होंने हिंदी गद्य को अपनाया और अपनी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के माध्यम से पंजाब के वातावरण को हिंदीमय बना दिया। धार्मिक क्रांति, सांस्कृतिक नवजागरण और नवीन आत्मचेतना के विकास में नवीन बाबू सदैव स्मरणीय समझे जाएंगे। अगली बात अगर हम कहें तो आर्य समाज के योगदान को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश को कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकता। वे हिंदी को आर्य भाषा कहते थे और उसके उन्नयन और विकास में सदैव संलग्न रहते थे। संवत 1920 के आसपास पंडित चद्दाराम फुल्लौरी ने भी पंजाब में हिंदी भाषा का नेतृत्व किया और हिंदी गद्य को आगे बढ़ाया। उनका सत्यामृत प्रवाह नामक हिंदी ग्रंथ हिंदी गद्य का विशिष्ट आदर्श प्रतिष्ठित करने वाला है। अभिप्राय यह है कि हिंदी गद्य के आविर्भाव और विकास की एक स्वस्थ परंपरा रही है। इस प्रकार ये सारे कारण जो थे बच्चों, उन्होंने हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया। प्रश्न पर एक बार हम फिर से गौर करें। आज हमारा प्रश्न हिंदी गद्य से संबंधित है। हिंदी आधुनिक काल में गद्य एक ऐसा बात है जो अन्य कालों से आधुनिक काल को पृथक करती है। भक्ति काल और रीति काल, ये सारे काल ब्रज भाषा को विकसित करने में लगे रहे, तो आधुनिक काल गद्य के लिए उत्कृष्ट कहा जा सकता है। इस प्रश्न में हमने गद्य के पूर्ववर्ती इतिहास पर बात की, फिर हमने बात की कि हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखक कौन थे, फिर उसके पश्चात हमने बात की कि गद्य लेखन का प्रेरणा स्रोत क्या कौन थे, तो उसमें ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान हमें देखना होगा। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा द्वारा प्रोत्साहन की बात ये हमें समझनी होगी। हमें ये जानना होगा कि सांस्कृतिक आंदोलनों भी ने भी गद्य के विकास में महती भूमिका निभाई। उसके अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वानों का सहयोग भी हिंदी गद्य के विकास में काफी रहा, और साथ ही पत्र पत्रिकाओं की भूमिका को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और साथ ही आर्य समाज को भी हमें याद रखना होगा, जिसने हिंदी गद्य को नए आयाम देने में अपनी भूमिका निभाई। अब हम निष्कर्ष करें, आधुनिक काल अन्य कालों से इसीलिए सर्वथा भिन्न रहा क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य का जितना विकास आधुनिक युग में हुआ, उसके पूर्ववर्ती युगों में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब तो गद्य विद्या निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस प्रकार हिंदी गद्य पर यह हमारा प्रश्न है। बच्चों, हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये प्रश्न कभी कभी टिप्पणी के रूप में और कभी कभी निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न से पर्याप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगले वीडियो में बच्चों हम फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।